पिछले दो दिनों से लगातार बरसात का प्रकोप जारी है, नदियां भरकर चल रही हैं। मेरे साथी दिखाएं किस तरह जो यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है, फुल भरकर चल रही है। यदि बात करते हैं कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां जो पानी है बैंक तोड़कर जो है गांवों तक भी घुस चुका है, कैत मंडी ऐसे कई भी गांव हैं। ये जो 36 घंटे हैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए ये लगेंगे। इसके अलावा क्योंकि पहले जब भी बरसात होती थी तो जो कैचमेंट एरिया था या उत्तराखंड का कंट्रोल था वहाँ से पता लग जाता था और 5 घंटे पहले ये पता लग जाता था कि कितना पानी पहुँचने वाला, वैसा कंट्रोल भी किया जाता था। लेकिन इस बार जो है पोंटा साहब से नीचे बाता और अन्य नदी को देखते हुए, क्योंकि जो वहाँ पर कितना पानी आ रहा है, कितना कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा है, जो समझ से परे हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं सोम और पथराला की तो वहाँ से भी लगभग 40,000 क्यूसिक पानी एड ऑन हो रहा है, जो 3.5 लाख क्यूसिक पानी है दिल्ली की मुसीबत भी बढ़ा सकता है। हालाँकि जिला प्रशासन ने अपने तरफ से सारे इंतजाम कर दिए हैं, सभी को हिदायत भी दी गई है कि कोई भी आदमी नदी की तरफ ना जाए। जो निचले क्षेत्र है वो खाली कराने के लिए भी बोला गया, यदि इस तरह से यदि पानी बढ़ता रहा तो ये पानी आबादी में भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो शहर है वहाँ भी जो कई जगह पानी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा यदि बात करें तो अभी सिंबल है वहाँ पर जो एक स्कूल की दीवार टूट गया क्योंकि जो पानी का इतना प्रेशर है। हालाँकि लोग प्रार्थना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इंद्र देवता के आगे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप काफ़ी बरस लिए हैं, कुछ समय के लिए रुक जाएं ताकि आम आदमी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ हुआ है वो अपनी पटरी पर आ सके। डिजिटल मीडिया के लिए देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।